हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास में हम कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। बेसिक पार्ट है ये। वैसे तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, बट 10th में भी एक चैप्टर है इसके रिगार्डिंग, तो आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो मैं दोबारा से एक बार ये मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यूब से। क्यूब इसको हम कहते हैं हिंदी में घन। इसमें क्या होता है, क्यूब एक ऐसी आकृति होती है जिसमें जो सारे कोने जो हैं, मतलब जो सारे फेसेस हैं, वो बराबर होते हैं। इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। तो मतलब कि स्क्वायर, इसके जो सारे फेसेस होते हैं वो स्क्वायर से बने होते हैं। तो ऐसे आकृति को हम बोलते हैं घन। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। हिंदी में अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज पार्डन मी एंड यू मे करेक्ट। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका पूरा जो, जैसे अगर रूम की बात करें तो हमारी जो दीवारें होती हैं वो होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दो तरह का हो सकता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड में मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम दीवारों का क्षेत्रफल लेते हैं और टोटल में छत का और फर्श का भी ऐड कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, इसकी दीवारें जो हैं, अभी सारे फेसेस जो हैं हमारे वो सारे स्क्वायर से बने हैं, स्क्वायर से। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। जितनी भी इसकी साइड है, अगर ये एस है तो इसका एरिया होता है एस स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, चारों जो जो दीवारें हैं उनका सरफेस एरिया। तो पहली का भी एस स्क्वायर है, दूसरी का भी, तीसरी का भी, फोर्थ का भी, तो क्या बन जाएगा 4s स्क्वायर या a स्क्वायर या 4a स्क्वायर बोल देते हैं। जब हमने इसको a लिया, अगर ये a है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, रूफ या टॉप और बेस। टॉप बेस ले लेते हैं, टॉप मतलब ऊपर का और बेस मतलब नीचे का जो है वो भी एरिया ऐड हो जाएगा। टॉप का एरिया क्या होगा, वो भी s स्क्वायर होगा। बेस का क्या होगा, वो भी s स्क्वायर होगा। तो टोटल में क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से आया वो इसका प्लस 2 यहाँ से आया, तो क्या बनेगा 6s। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में वॉल्यूम, वो सॉरी हाइट। ये होता है हमारा वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेकिन जब हम बात करते हैं क्यूब की, तो हमारे पास जो लेंथ है इसमें वो भी एस होती है, ब्रेथ है वो भी एस होती है, और जो हाइट है वो भी एस होती है। तो वॉल्यूम बन जाता है हमारा एस क्यूब, दिस इज एस क्यूब, एस की पावर 3, इसका मतलब 3 बार एस को गुणा करना। एस या साइड, या अगर आप ए ले रहे हैं तो ए क्यूब हो जाएगा। ये होता है हमारा क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन। ये आपको याद रखनी है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड एक ऐसी आकृति होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत, आयत वो आयत नहीं घनाभ बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, आयत से बना होता है। क्यूब एक ऐसी आकृति होती है जिसके जिसमें रेक्टेंगल से जो बनी होती है। जैसे आपने आपकी ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, आपने ज्योमेट्री बॉक्स होता है हमारा, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, मिठाई का डब्बा आपने देखा होगा, जो मिठाई का डब्बा होता है वो ऐसे ही होता है, ऐसे इतना ऊंचा होता है और लंबा होता है ऐसे, उसके अंदर मिठाई डली होती है, स्वीट बॉक्स। हालांकि स्वीट बॉक्स ऐसा भी आता है, कुछ डब्बे ऐसे भी बने होते हैं अगर आप ध्यान देखें तो, लेकिन कुछ डब्बे ज्यादा डब्बे ऐसे होते हैं। तो ये सारे जो है ये क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वही फेसेस नहीं होंगे, चार दीवारें होंगी, एक टॉप होगा एक बेस होगा, होगा उतना ही सब कुछ, लेकिन इसमें हमारे पास डायमेंशन अलग अलग होगी। ये डब्बा जो है ये चौड़ा, ये लंबा कुछ और होगा, चौड़ा कुछ और होगा, ऊंचा कुछ और होगा। तो जितना लंबा होगा उसको हम बोलेंगे लेंथ, जितना लंबा होगा, जितना चौड़ा होगा उसको हम बोलेंगे ब्रेथ, और जितना ऊंचा होगा,
और जितना ऊंचा होगा उसको हम बोलेंगे हमारी हाइट। इसमें तीनों चीजें अलग अलग है, ये फर्क है। ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें सेम आ गई हो, मे बी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बट इसको हम तीनों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लगभग यही होता है जो इसमें किया था हमने, लेकिन इसमें हमारे पास तीनों चीजें बराबर थी इसलिए यहाँ पर एस 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 हर जगह आ गए, तो ये चीजें ऐसे बन गई, लेकिन इसमें ऐसे नहीं बनेगा। इसमें जब हम पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, जो चार दीवारें हैं उनका निकालेंगे। तो दीवारों में क्या होता है हमारे पास, दीवारों में हमारे पास ब्रेथ होगी। अगर हम ऐसे बात करेंगे दो दीवारों में ब्रेथ और हाइट होगी, और दो दीवारों में लेंथ और हाइट होगी, है ना। जैसे डब्बा बना हुआ ये बेस मैंने बनाया, जैसे बेस अभी चार दीवारें इसके ऊपर तो खड़ी हैं ऐसे, तो एक यहां वाली जो दीवार होगी इसमें ऊंचाई होगी और ये ब्रेथ होगी ऐसे यहां वाली दीवार में, और जब इसके ऊपर दीवार खड़ी है उसमें लंबाई है और ऊंचाई है, इसमें भी लंबाई है और ऊंचाई है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग जो वॉल बनी है उसमें क्या क्या है, ब्रेथ इनटू में हाइट, इसके रिगार्डिंग भी वही बनी है ब्रेथ इनटू में हाइट, इसमें क्या बना है लेंथ इनटू हाइट, और इसमें क्या बनी है लेंथ इनटू हाइट, यही बनी है। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, जिसमें कि हमारे पास दो दीवारें यहां है दो दीवारें यहां है, ये हो गया। इसको लिख लो वैसे बी एच प्लस डी एच, स्मॉल लेवल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखने में आसान हो जाएगी आपको। बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच, ये क्या बन गया, यहां लिख लू बच्चे पर यहां, ये बन गया टू बी एच प्लस टू एल एच, टू हम कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा टू बी एच प्लस एल एच, इसको आगे पीछे लिख लो एक ही बात है, टू एल एच प्लस बी एच ऐसे। तो ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड नोट कर लो। जब आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब टोटल सरफेस एरिया की, अभी तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया इसके 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 और इसके दीवार, लेकिन अभी हमने ऊपर का और नीचे का छोड़ दिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, ये लेते हैं हम, ठीक। अब ये तो हमने निकाल लिया, ये निकाल चुके हैं हम टू एल एच प्लस टू बी एच, ये तो हमने लिए, प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप छत, छत पे क्या क्या है, छत पे है एल एच लेंथ और ब्रेथ, और बेस पे क्या है, बेस पे भी लेंथ और ब्रेथ है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ है, सर मैं एच भी खड़ी हूँ, मैं लिख रही हूँ, लेंथ और ब्रेथ है ना, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। अभी क्या बन गया, टू एल एच प्लस टू बी एच प्लस एल बी प्लस एल बी टू एल बी, टू हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, नेगेटिव में है जैसे हम पढ़ते हैं मामले, तो हमें ये मिलता है क्या, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसे नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारे बेलन के बारे में, इसको हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर में भी ऐसे ही होता है, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में जो बेस होता है वो क्या होता है, गोला होता है, सर्कल जिसको कहते हैं, सर्कल पे खड़ा होता है सिलेंडर। अगर आपने देखा हो, अगर आप एक एक्टिविटी करना घर पे जाके, घर पे मतलब घर पे ही होगी करना, उसमें क्या करना है, आपको एक कॉइन सिक्के देखे होंगे आपने, कोई भी एक वैरायटी चूज करना कॉइन्स की, कोई भी एक वैरायटी चूज करना कॉइन्स की, जैसे कि दो के ले लेना, एक के या दस के, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पहले एक कॉइन रखना नीचे, उसके ऊपर पहले एक कॉइन रखना,
किसी भी फर्श पे टेबल पे, उसके ऊपर कॉइन 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 रखते चले जाना, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी एक सर्कल बना होता है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया होता है ये वाला एरिया, रैप, जैसे अगर मान लो बॉटल है उसको रैप करना है कवर में ऐसे ऊपर नीचे छोड़ के, तो वो हमारा कर्व सरफेस एरिया। और अगर मैं इसकी भी बात करूँ, इसकी भी बात करूँ, साथ में इसकी भी बात करूँ, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये समझ में आ गया जी मैम, आगे बढ़ते हैं। आपने भी क्या देखा है सर, नीचे सिलेंडर के नीचे सर्कल, ये चीज ये सर्कल है, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ये सर्कल होता है बच्चे, देखने में ऐसा लगता है कि ये ओवल है नहीं, बट ये सर्कल नहीं होता है। आप जब पॉइंट से एक्टिविटी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मान लो ये सर्कल की रेडियस कुछ है आर, अच्छा इसका कर्व इसका जो ये सर्कमफेरेंस है वो क्या होगा, वो होता है 2πr। ठीक, ये 2πr होता है बच्चे। और जब हम इसको जब हमने पॉइंट पे पॉइंट पे पॉइंट पे पॉइंट पे पॉइंट रखा तो सिलेंडर बन गया। तो जब नीचे वाले का जो ये हमने बाउंड्री निकाली ये कितनी 2πr, और मान लो इसकी हाइट हो गई h, तो ये जो चीज होगी कितनी होनी चाहिए, हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस बाउंड्री को तो बढ़ाया है, ऊपर 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 करते चले गए, यहाँ एक सिक्का था फिर एक सिक्का और था फिर एक सिक्का फिर एक सिक्का फिर एक सिक्का फिर एक सिक्का, ऐसा तो करा, तो ये चीज हम ऐड करते चले गए, तो इसको हमने ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, ये तो होता है। हाँ जी मैम यही होता है, तो ये 2πr हमने एज अ रीजन कर रहे हैं। एरिया ऑफ बेस क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, हाँ यार सर कितनी बार बता चुके हैं, नहीं आता है तो रिवाइज करेंगे। टॉप का एरिया कितना होगा, अगेन सर्कल है वो भी, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2πr प्लस 2πr स्क्वायर, इसको कंबाइन कर लो, 2 कॉमन ले लो, पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, अगेन आर कॉमन ले लो, ये काम अगर नहीं करना होता तो भी कोई बात नहीं, बिना कॉमन ले भी कर सकते, ये आ गया हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का, जिसको बेलन जिसको हिंदी में कहते हैं बेलन। ठीक है, आगे बढ़ना, ये बात ही एरिया। अब वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जो बेस का जो एरिया होता है, जैसे आपने सर्कल कॉइन लिया था इसका एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर कितनी चीजें आएंगी। जब मैंने ये सर्कल ऐसे लिया, ये चीज ये जगह मैंने नाप ली, ये जगह भी तो मैं बढ़ा रही हूँ ऊपर तक, कि कहाँ तक बढ़ाई बढ़ा दी मैंने ये जगह, ये जो जगह है ये मैंने कहाँ तक बढ़ा दी, हाइट x पर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है h, तो क्या बन गया पाई आर स्क्वायर h, ये बन गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो मुझे आप मैसेज करेंगे, नोट कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा कोण की, सेम है पॉइंट में भी ऐसे होता है, कोण में भी ऐसे होता है, कोण की शेप ऐसी होती है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ये ऊपर की, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी हम पहनते हैं वो कोण होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, बच्चे ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ता है, आर ये रेडियस होती है, एल ये होती है स्लैंट होती है, इसको हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं, सीखा हुआ वैसे बेसिकली आपने 9th का चैप्टर है जो ये मैं रिवाइज करवा रही थी बस आपको, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस ये वाला एरिया सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है कोण का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, क्योंकि शेप्स की ऐसे बनी होती है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा।